शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 को BRCC एवं प्रधानाध्यापक ने स्कूल को बनाया ट्रेन, लोगों का सेल्फी के लिए लगा तांता। खनियाधाना में BRCC का स्कूलों में वसंतोत्सव पर नई थीम पर पढ़ाई, छात्रों को स्कूल में अच्छा लगे इसलिए कमरों को रेल के डब्बे जैसा बना दिया। बेहतर शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में नवाचार करके गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। खनियाधाना BRCC संजय भदौरिया के मार्गदर्शन में जनपद शिक्षा केंद्र खनियाधाना के माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में ऐसा नवाचार किया जिसकी न केवल सराहना हो रही है बल्कि छात्रों को विद्यालय में आकर खुशी भी हो रही है। BRCC संजय भदौरिया के अनुसार इस समय हम सभी विद्यालयों में शिक्षा वसंतोत्सव मना रहे हैं। इसके तहत शिक्षा में नवाचार करके छात्र उपस्थिति के साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। हम एक टीम को गठित कर जल्द ही ऐसे कई विद्यालय चिन्हित कर उन्हें भी नवाचार करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्रोत्साहित कराएंगे। शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के प्रभारी श्यामलाल जाटव ने बताया कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और आकर्षक बनाने के लिए BRCC द्वारा प्रेरणा दी गई। हमारे विद्यालय की लोकेशन रेल की तरह थी, तब इसके बाहरी हिस्से को रेल के डब्बों जैसी पेंटिंग कराने की योजना बनाई गई। इसके लिए पेंटिंग द्वारा डिजाइन बताया गया तथा BRCC द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुधार करके रेल के डिब्बे जैसी पेंटिंग की अनुमति दी गई। इस पेंटिंग में शासन से मिलने वाली राशि से ही कार्य कराया गया, अलग से कोई राशि नहीं लगाई गई। विद्यालय को देखने और सेल्फी लेने आम लोग एवं पालक आकर विद्यालय प्रबंधन की सराहना कर रहे हैं। सर, ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में एक नई पहल की गई है जो ट्रेन बनाई गई है, क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहल पूरे हमारे खनियाधाना जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत पूरे जो हमारे विद्यालय है लगभग 450 विद्यालयों में ये नई पहल की एक प्रारंभिक शुरुआत है। शिक्षा वसंतोत्सव करके इस वर्ष 2024 में हम एक पर्व मना रहे हैं। एक अभियान के तहत हम ये काम कर रहे हैं जिसके तहत हम लगभग ऐसे 50 विद्यालयों को चिन्हित करने की हमारी योजना है जहाँ पर कुछ इनके द्वारा विशेष काम किया गया है। इस पहल की शुरुआत के लिए हमारे साथ हमारे साथी शिक्षक मित्र श्यामलाल जी खड़े हुए हैं। ये प्रभारी हैं इस माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के। मैंने बहुत बहुत बधाई दूंगा कि केवल इनको मैंने प्लान बताया भर तुरंत उन्होंने 3 दिन के अंदर उस प्लान की प्रारंभिक शुरुआत कर दी। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि क्षेत्र में आप लोगों का बहुत सकारात्मक सहयोग हमारे शिक्षा विभाग को मिल रहा है, तो इस क्रम में जब आप और भ्रमण करेंगे तो ऐसे अनेक स्थानों पर पेंटरों को ले जाकर नए नए कहीं डिज्नीलैंड, कहीं बस, कहीं कुछ, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि खेल खेल में शिक्षा हमारे बच्चे विद्यालयों की ओर आने के लिए आकर्षित हों। अब चयन करने के लिए हमने एक पैनल बनाया है जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक जो शिक्षाविद के रूप में हैं पिछोर और खनियाधाना के, तो ऐसे हम अलग अलग 4-4 जनशिक्षा केंद्रों पर उनको मोटिवेशन के लिए भी भेज रहे हैं और वो चयन करके हमें ऐसे विद्यालयों के नाम देंगे। कम से कम 21 विद्यालय से लेकर 50 विद्यालयों को हम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। सर, इस पहल से बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ये जो प्रारंभिक तौर पर हमने देखा कि इससे बहुत अधिक उत्साह है बच्चों के अंदर है और उनको एक छुक छुक रेल और ये सब एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ जनमानस में भी अपार उत्साह है कि खनियाधाना में एक नवाचार, एक नया प्रयोग हुआ है और बहुत सारे बंधुजन यहाँ से सेल्फी ले लेकर जा रहे हैं जो इस बात का घोतक है, बता रहा है कि ये रेल बहुत पसंद आ रही है। सर, आपके द्वारा एक नई पहल की गई है, विद्यालय में एक ट्रेन बनवाई गई है, क्या कहेंगे? इसको शिक्षा में नवाचार के रूप में बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए और आनंद में रहें बच्चे, रुचिकर जो है शिक्षा का बच्चों के लिए रुचिकर वातावरण बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये आपकी जो ट्रेन है, जो आपने ट्रेन बनवाई है, इसके लिए तो बाहर से लोग सेल्फी लेने के लिए भी आ रहे हैं। हाँ, तो ये आ रहे हैं, इसमें विकास अपने खनियाधाना विकास खंड में ये एक नई मैंने सोच बना करके और इसमें नवाचार किया है मैंने। तो ऐसे और स्कूलों में भी हैं क्या? नहीं, अब
ये तो मुझे जानकारी नहीं है, कोई अगर इस पे नवाचार करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको कैसे विचार आया कि ऐसी एक नई पहल चलानी चाहिए? ये तो मेरी स्वयं की सोच है। मैं रोजाना रात्रि के 12 बजे तक विद्यालय में मुझे क्या नवाचार करना चाहिए मैं ये विचार करता हूँ, सुबह आकर के विद्यालय में उसी काम को करवाता हूँ। आप इस पहल से क्या संदेश देना चाहते हैं अन्य विद्यालयों के लिए? मैं अपने सभी शिक्षा विभाग के लिए और अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़े, इसलिए इसी तरह के नवाचार शिक्षा के रूप में करें, विद्यालय में करें और विद्यालय को प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छा वातावरण बना के रखें।